पिछले कई महीनों से कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले क्षेत्रीय हॉस्पिटल बिलासपुर के 11 सफाई कर्मचारियों को नए ठेकेदार के द्वारा नौकरी से हटाने का मामला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों ने जिलाधीश बिलासपुर व मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर को शिकायत पत्र सौंपा। इन सभी कर्मचारियों का कहना है कि लगभग 23 वर्षों से वह सफाई कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले कोरोना कार्यकाल में उन्हें कोरोना योद्धा की उपाधि प्रशासन के द्वारा प्रदान की गई थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ कोरोना योद्धा के रूप में साफ सफाई में क्षेत्रीय हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी प्रदान की, लेकिन अब हॉस्पिटल के सफाई के टेंडर किसी और ठेकेदार ने लिया है और उस ठेकेदार ने 11 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है, जिसको लेकर के सफाई कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। एटक के प्रदेश सचिव प्रवेश चंदेल का कहना है कि इन सभी कर्मचारियों ने जिलाधीश व मेडिकल ऑफिसर को शिकायत दी है कि इन कर्मचारियों के बारे में कोई समाधान निकाला जाए, नहीं तो कर्मचारियों के हितों के लिए आंदोलन किया जाएगा। सफाई कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, जब प्रधानमंत्री भी और तमाम जो संस्थाएं हैं, लोग हैं, मीडिया इनको कोरोना योद्धा की संख्या दे रहा है, तो ऐसे दौर में मैं बताना चाहता हूँ कि 23 वर्ष कार्य कर चुकी ये महिलाएं और साथ में कुछ हमारे भाई भी हैं, उनको सिर्फ बहाना लगा करके कि ये टेंडर जो है ये चेंज हुआ है और इस वजह से जो है आपको नौकरी से निकाला जाता है, तो इतना इनके साथ इनजस्टिस हुआ। इनके छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ करके कोरोना के टाइम में ये जो लोग थे अपनी सेवाएं देने के लिए, अपने बच्चों को परिवार को खतरे में डाल करके इन्होंने सेवाएं दी, लेकिन अगर आज इनके साथ जो इनको मिल रहा है इनाम, मैं बताना चाहता हूं कि इस वजह से हमने डीसी साहब को अवगत भी कराया कि अगर ये इस तरीके से इनको निकाला गया, अन्याय होता है, तो उसके खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन बिलासपुर ये चुप नहीं रहेगी और इसका जो खामियाजा है अस्पताल प्रशासन को, ठेकेदार को और जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, ये हम कहने आए हैं। लंगलंकी डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि पहले ही सफाई कर्मचारियों की कमी है और इनको किसी को हटाया ना जाए, ये निर्देश भी टेलीफोनिकली उन्होंने एमएस को दिया। इनका टेंडर था वो खत्म हो गया था, अब नई कंपनी को टेंडर हुआ है, इसके हिसाब से जो है ये जो हमारे नए ठेकेदार साहब थे इन्होंने बनाया था कि इतने लोग हैं हमारे पास, जितने अब गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन है हमारे पास है 33+2, तो हमने उतने लोग रखने, निकाला हम किसी को नहीं रहे हैं, निकालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बात ये है कि जो टर्म एंड कंडीशन सरकार ने जो टेंडर डॉक्यूमेंट में लगाए, जैसे इंस्पेक्टर है उसमें मेडिकली फिट होना है, जो जिसकी टर्म कंडीशन उस हिसाब से हम पूरा काम करेंगे, और निकालने का तो हमारा इसमें बनता ही नहीं है कि जब लोग इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे साथ अटैच हैं तो रहेंगे, लेकिन अब जो टेंडर डॉक्यूमेंट हुआ रखे तो टर्म एंड कंडीशन उसी के हिसाब से हम उनको रख रहे हैं और रखेंगे भी, ऐसा कोई इशू नहीं था इसमें, कोई हमारा इसको है नहीं। अभी के सर यानी कि सेवाएं बंद कर दी जाएगी क्या इसकी, जो 11 लोग हैं? नहीं, सेवा बंद होगी, पर जो हाँ ये जरूर है कि जैसे एज फैक्टर है, अब जिसकी जब सरकार ने बोला कि 50 साल से अब नहीं होना, 18 साल से कम नहीं होना, तो वो तो रखे नहीं जाएंगे ना, तो डॉक्यूमेंट वो बोल रहा है उस हिसाब से। सर जैसे कुछ महिलाएं हैं वो छेड़खानी का रोक लगा रहे हैं, जो सुपरवाइजर इनके साथ छेड़खानी करता है, मेरी नॉलेज में तो ऐसी चीज आई नहीं है। ये थी बिलासपुर से सुभाष चंद की रिपोर्ट।